हरे कृष्णा। तो बहुत ज़्यादा चल के आप थक गए होंगे, इसलिए आज प्रवचन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और वैसे भी आज पहला दिन है, आप में से कई भक्त आज ही पहुँचे हैं काफ़ी लंबी यात्रा करके, तो आज रात को हम सब जल्दी सोना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों के लिए हम अच्छी तरह से तंदुरुस्त रहें। सर्वप्रथम आप सबको हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस तिरुपति तिरुमला अहोबिलम यात्रा के लिए। आप में से कई भक्त बहुत दूर दूर से आए हैं, विदेश से भी आए हैं और भारत के अलग अलग भागों से भी आए हैं। आपने बहुत कष्ट उठाया है यहाँ आने के लिए, आप सबको धन्यवाद। आशा करते हैं कि आने वाले 8-10 दिन हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए बहुत पौष्टिक होंगे, बहुत लाभदायक होंगे। जो संग हमें अब इस समय मिल रहा है, इतने सारे भक्तों का संग, न केवल हम जो यात्रा के लिए आए हैं परंतु यहाँ पर भी कितने भक्त हैं, और जितने भी धामों में, तीर्थों में जाएंगे, लीला स्थलियों में जाएंगे, वहाँ पे भी कितने श्रद्धालु लोग आते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे लिए आगे भक्ति में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल जाता है। और वैसे तो कलयुग में तीर्थ स्थानों में बहुत जाना मना है, क्योंकि अधिकतर लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं केवल अपने पापों को नष्ट करने के लिए। वहाँ जाकर किसी पवित्र नदी में या कुंड में स्नान कर लिया, गंगा जी में स्नान कर लिया, अपने पापों को धो लिया, लेकिन पुनः वो पाप जारी रहते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हो जाती। परंतु जब भक्तों के संग में हम ऐसे धामों में, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बड़े भक्तिभाव से जाते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हैं, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यात्रा करते हैं, न कि केवल पाप नष्ट करने के लिए, न कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस तरह की जो यात्रा है वो बहुत ही लाभदायक होती है भक्तों के लिए। भक्त विनोद ठाकुर जी ने कहा है, गौर आमार शेषम स्थाने करल भ्रमण रंगे, भक्तर संगे भ्रमण करल रंग, गौर आमार जेसम स्थाने भ्रमण करल रंगे भक्तर संगे, कौन सा है जानते हैं, शेष स्थान हेरिवामी प्रणय भक्त संगे। प्रणय भक्त, जो प्रेमी भक्त हैं, उनके संग में मैं उन स्थानों में भ्रमण करना चाहता हूँ बड़े आनंद से, जिन स्थानों में गौरांग महाप्रभु भ्रमण कर चुके हैं। गौर आमार जेसम स्थाने कोरिलो भ्रमण रंगे, तो हमारे गौरांग महाप्रभु जिन स्थानों में भ्रमण कर चुके हैं बड़े आनंद से, शेषभ स्थाने उन्हीं स्थानों में मैं जाना चाहता हूँ, हेरी वो मैं देखना चाहता हूँ। कैसे? अकेले नहीं, प्रणयी भक्त संगे, प्रेमी भक्तों के साथ में। तो ये भक्तों की अभिलाषा होती है कि अन्य भक्तों के साथ में उन धामों में जाएं जहाँ हमारे आचार्य गए हैं, जिनकी चर्चा
हमारे आचार्यों ने की है और यहाँ तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भगवान हैं उन्होंने इन स्थानों की यात्रा की थी, तो इन स्थानों में हमारे लिए जाना बहुत अच्छा है, आवश्यक है। वैसे इन यात्राओं में आना इतना आसान नहीं होता, छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। अब आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं आपको फिर बच्चों का भी देखभाल करना पड़ता है, कितनी सारी समस्याएं हैं। और ऐसा मत सोचिए कि केवल गृहस्थों के लिए समस्या है, मंदिर में ब्रह्मचारियों के लिए भी समस्या है, क्योंकि वहाँ जितनी सेवाएं करनी पड़ती हैं, कौन आएगा कौन रहेगा सेवा करने के लिए, ये भी एक विषय हो जाता है। किसी को तो मंदिर में रहना पड़ता है, मंदिर का काम तो चलना है, कौन जाएंगे कौन रहेंगे। तो वैसे देखा जाए तो यात्रा में आने के लिए कईयों को बहुत कुछ करना पड़ रहा है, और हम आ पा रहे हैं इसलिए हमारे पीछे कई लोग होंगे जिनके वजह से आज हम आ पा रहे हैं। तो इसलिए इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हमें अब हमारे संसारी बातों को भूलने का प्रयास करना चाहिए, इस दृष्टि से कि भक्तिमय माहौल में अब इस माहौल में डूबने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के जो स्थान हैं, लीला स्थली हैं, वो हमारे लिए भक्ति के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं, जैसे हमने कहा। इसलिए जब यहाँ आके यदि हमने वो पोषण ग्रहण नहीं किया बल्कि संसार की बातें करते रहे, ये संसार की चीज़ें करते रहें, तो फिर यात्रा हमारे लिए निष्फल होगी। जो धामों की यात्रा है ये पर्यटन नहीं होता, नहीं हम यात्रा करते हैं आध्यात्मिक भोग के लिए, आध्यात्मिक आनंद के लिए, हम सेवा भाव से इन धामों में जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ तिरुपति, तिरुमला इन स्थानों में आए थे। तिरुपति ये शहर है जहाँ पे हम अब हैं, और जब पहाड़ के ऊपर जाएंगे परसों दिन, वहाँ तिरुमला है जहाँ बालाजी भगवान विराजमान हैं, तो उस स्थान को तिरुमला कहते हैं और यहाँ ये तिरुपति है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, रहे, कीर्तन किया, दर्शन किया, यहाँ से आगे निकले। गोविंद राम कोदंड राम मंदिर में गए, आज हम तीन जगह गए थे ना दर्शन करने के लिए, तो तीसरा स्थान था कोदंड राम मंदिर, महाप्रभु वहाँ पर भी गए थे, गोविंद राज मंदिर भी गए। तो आज हम इन स्थानों की चर्चा संक्षेप में करना चाहेंगे। सर्वप्रथम जो पहले स्थान में हम गए थे कपिलेश्वर तीर्थ या कपिल तीर्थ, इस स्थान की चर्चा हम करेंगे। वैसे कहा जाता है कि जो शिवजी का मंदिर है वो थोड़ी बाद में आया, इसके पहले कपिल तीर्थ था जहाँ वो हमने पुष्करणी देखी, कुंड था वो देखा, झरना था जो पानी यहाँ से आ रहा था, बहुत सुंदर दृश्य था। ये तो पहले से थे, और ऐसे वर्णन हैं कि जो श्री संप्रदाय के आलवार थे वो यहाँ पर आए हुए थे, बालाजी का दर्शन करते करते यहाँ पर आते, यहाँ से फिर वो आगे ऊपर चले जाते। हमें याद रखना है कि उन दिनों में तिरुमला ऊपर पहाड़ में जाना बहुत मुश्किल था, आजकल तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तिरुपति में आने के लिए भी
हवाई जहाज़ में आ सकते हैं, रेलगाड़ी में आ सकते हैं, एयर कंडीशन सुविधा में आ सकते हैं, गाड़ियों में बैठ के आ सकते हैं, और यहाँ पे एयर कंडीशन रहने के कमरे हैं, बढ़िया होटल हैं, सब कुछ है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है, और ऊपर जाने के लिए भी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, टैक्सी हैं, अब हेलीकॉप्टर है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो भी आ जाएगा एक दिन। तो हमारे लिए कोई तपस्या ही नहीं है, बस कितनी आसानी से हम, चाहे हम जहाँ से भी रह गए हों, हवाई जहाज़ में बैठे, पहुँचे, निकले, वहाँ तिरुपति चले गए, लेकिन उस ज़माने में ऐसे नहीं था। वैसे इस तरह की सड़कें तो नहीं बनी हुई थीं, और घना जंगल था, जानवर भी बहुत हुआ करते थे, और सात पहाड़ों के को पार करके इन घने जंगलों से गुजरते हुए ऊपर पहुंचना पड़ता था बालाजी का दर्शन करने के लिए। आसान बात नहीं थी वो, और श्री संप्रदाय में ये एक दिव्य देशम है, 108 दिव्य देश हैं, दिव्य स्थान हैं जिनको वो दिव्य देशम कहते हैं, उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बहुत सारे भक्त यहाँ पर आया करते थे, और आते समय उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो वो आके फिर यहाँ तीर्थ में, जैसे आलवार थे, यहाँ आके स्नान आदि करते, अपने अपना भजन करते, और फिर यहाँ से ऊपर जाते तिरुमला। तो ये कपिल तीर्थ आलवार तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद ये कपिलेश्वर मंदिर बना, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पास में एक लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है, और वहाँ के पुजारी बता रहे थे, हमने उनसे चर्चा की, कि वो विग्रह पहले अलीपिरी नाम के स्थान में हुआ करता था, एक स्वयंभू मूर्ति है, और रामानुजाचार्य के यहाँ आने के समय या तो उसके थोड़ी देर बाद वो विग्रह भी यहाँ पर आए। तो इस सारे प्रांत में बहुत बहुत सारे पुराने विग्रह हैं भगवान के, इनमें से कई ऐसे हैं जो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं कि किसी शिल्पकार ने बैठ के इसे बनवाया हो, अपने आप प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति ऐसे है ये कहा जाता है। तो वहाँ कपिलेश्वर या कपिल तीर्थ में जाने के बाद फिर लोग वहाँ जाया करते थे, हम लोग भी वहाँ पर चले गए, दर्शन नहीं हो पाया शिव जी का क्योंकि समय नहीं था। उसके बाद हम लोग गए गोविंद राज मंदिर। अब ये तिरुपति का सबसे महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, सुंदर और बड़ा मंदिर है। तिरुमला के बाद बालाजी भगवान जहाँ ऊपर रहते हैं वो तिरुमला है, उसके बाद ये गोविंद राज मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ तिरुपति शहर पहले नहीं था, यहाँ जब श्री रामानुजाचार्य आए उन्होंने तिरुपति की स्थापना की। पहले यहाँ पे केवल एक गांव हुआ करता था, और गांव का नाम था कोतुर, और यहाँ पे भी थोड़े तीर्थ थे, जैसे अलवार तीर्थ तो था ही, और छोटे मंदिर विग्रह आदि यहाँ पर इस प्रांत में थे, परंतु इतनी कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, ऐसे बड़ा कोई शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव था। फिर लगभग 12वें शताब्दी में रामानुजाचार्य ने यहाँ आकर गोविंद राज मंदिर की स्थापना की। परंतु एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने देखा होगा, जब गोविंद राज मंदिर में दर्शन के लिए गए आप, तो सबसे पहले आपने किनका दर्शन किया? गोविंद राज जी का दर्शन, और उसके बाद
फिर पार्थ सारथी भगवान का किया दर्शन, और फिर आंडाल जी का किया। आंडाल जो है उनको गोदा देवी कहते हैं, ये 12 आलवारों में से एक हैं। वैसे 12 में से वो केवल एक हैं जो महिला है, पेरी आलवार की पुत्री थी, पेरी आलवार भी एक आलवार थे। तो खैर यहाँ पे पार्थसारथी भगवान जो श्री कृष्ण है, रुक्मिणी देवी और सत्यभामा देवी के साथ विराजमान है सिंहासन पर। तो उनका मंदिर था, छोटा सा मंदिर था पहले से इस गांव में, कोतुर गांव में। तो रामानुजाचार्य जब आए, उन्होंने गोविंदराज की स्थापना की। और रामानुजाचार्य ने ऐसे क्यों किया, ये मूर्ति आई कहाँ से, इसके पीछे एक इतिहास है। जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम आदि स्थानों में प्रचार करते थे, तो उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अधिक से अधिक संख्या में लोग वैष्णव बन रहे थे, भगवान विष्णु या कृष्ण के शरण में आ रहे थे। बहुत शक्तिशाली आचार्य थे रामानुजाचार्य। परंतु आपको तो पता है कि जब कोई भक्ति करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो बाधाएं, रुकावटें बहुत आती हैं संसार में। तो रामानुजाचार्य को भी आसान नहीं था प्रचार करना, अपने संप्रदाय को स्थापित करना, अपने आंदोलन को फैलाना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। उस समय चोला वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कृमिकंठ या कोलातुंग। ऐसे कई कोलातुंग हैं, ये पहले कोलातुंग थे। अब ये कट्टर शैव थे, शिव जी के उपासक थे और वैष्णवों से घृणा करते थे, विष्णु भगवान से भी घृणा करते थे। ये कभी कभी दक्षिण भारत में देखा जाता है, शैव और वैष्णव, शिवजी के उपासक और भगवान विष्णु के उपासक, इनमें टक्कर रहता है। यहाँ तक कि इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है, बहुत से हादसे हो चुके हैं, वाद विवाद तो बहुत साधारण बात है, ऐसे इतिहास है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत में आए तीर्थ यात्रा के लिए, और उन्होंने जब शैवों में और वैष्णवों में ऐसे वाद विवाद देखा और सुना, तो वो हंसने लग गए। क्यों? क्योंकि सचमुच जो वैष्णव हैं वो समझते हैं कि शिव जी का स्थान कितना ऊंचा है। जो अपने आप को शैव कहलाते हैं, शिव जी के उपासक हैं, अधिकतर वो ये नहीं जानते कि शिव जी का स्थान क्या है और विष्णु का स्थान क्या है। इसलिए वो कोई गलत बात पर विश्वास करते हैं। और कई ऐसे वैष्णव भी हो सकते हैं जिनको दर्शन नहीं पता, केवल नाम के वैष्णव हैं, क्योंकि वैष्णव परिवार में जन्म लिया है, टीका तिलक भी पहनते होंगे, परंतु वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान या उसकी समझ न होने के कारण वो भी शिव जी का अपराध को के प्रति अपराध करते हैं। ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए। शिव जी तो स्वयं महान वैष्णव हैं, भगवान के बहुत ऊंचे भक्त हैं, वो एक गुण अवतार हैं। भगवान ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की है। हम भी शिव जी के मंदिरों में जाते, अब कालहस्ती जाने वाले हैं हम, महाप्रभु भी वहाँ पर गए थे। हाँ, ये हमारे दैनिक साधना में तो नहीं है, परंतु जब ऐसी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, यदि कोई महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर रहा तो हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, परंतु शिव जी को परम मानकर नहीं, और न ही हम शिव जी का कभी अनादर करते हैं या उनकी तिरस्कार करते हैं।
दोनों ठीक नहीं है, दोनों ही माया के स्वरूप हैं। एक शिव जी को परम मानना, श्री कृष्ण से स्वतंत्र मानना, और दूसरी ओर शिव जी का अनादर करना। तो कई वैष्णव ऐसे थे जो शिव जी का अनादर करते थे, कहते विष्णु परम है, विष्णु या कृष्ण परम है ये तो सत्य है, परंतु शिव जी का अनादर क्यों करना चाहिए। और उधर जो शैव थे वो भी इतने कट्टर थे, अल्पज्ञ थे, कि वो विष्णु का अनादर करते थे, विष्णु की निंदा करते थे। तो ये एक वातावरण था यहाँ दक्षिण भारत में उस समय। और जब हम तिरुमला जाएंगे, बालाजी की स्थापना की बात करेंगे, तो उस समय फिर इस विषय को पुनः दोहराएंगे, क्योंकि जब रामानुजाचार्य यहाँ पर तिरुमला में आए तो कई ऐसे शैव थे जो कहने लगे कि बालाजी शिवजी हैं, तो बहुत बड़ा वाद निर्माण हो गया था। और जब रामानुजाचार्य आए तो उन्होंने फिर मामले को निपटा लिया और साबित कर लिया कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, शिवजी नहीं हैं। कैसे किया वो आगे चल ऊपर जाके हम सुनेंगे। तो खैर, ये कोलटुंग राजा जो है ये इसी तरह का एक कट्टर शैव था और भगवान विष्णु से बहुत घृणा करता था, और इतना कट्टर था और इतनी तीव्र उसकी घृणा थी कि उसने सारे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति शैव शिव जी को परम नहीं मानेगा उसको दंड मिलेगा। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु दंड मिलेगा। और जितने भी उनके दरबार में बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित आया करते थे, उन सब से हस्ताक्षर ले लिए, दस्तखत ले लिए, मैं मानता हूँ शिवात परतरम नास्ति, कि शिव से परम कोई नहीं है। तो कई जो शैव थे वो तो खुश हो गए, और जो अन्य थे बीच में ना इधर ना उधर के राजा के डर से, उन्होंने भी सही कर दिया। कई ऐसे वैष्णव भी थे, उन्होंने भी सही कर दिया राजा के डर से। जब मृत्यु का खतरा होता है तो आदमी कभी कभी कुछ भी कर देता है। लेकिन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे कुरेश, वो जब गए, उनको बुलाया गया, क्यों? क्योंकि राजा कोलोतुम्ब ने समझ लिया कि शैव धर्म को फैलाने के लिए केवल मेरे रास्ते में कांटा है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य को यदि हमने हटा दिया रास्ते से, यदि रामानुज ने सही कर दी यहाँ पर इस विजय पत्र के ऊपर, या ये मान लिया शिवात परतरम नास्ति, यहाँ दस्तखत कर लिए मैं मानता हूँ इस बात को, तो फिर मेरा आंदोलन सफल हो जाएगा। क्योंकि उस समय रामानुज भी बहुत प्रभावशाली माने जाते थे। तो जैसे ही खबर रामानुजाचार्य के पास पहुंची श्रीरंगम में, भक्तों ने आके बताया, तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। उस समय उनके शिष्य आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके वस्त्र पहनता हूँ और मैं रामानुज बन जाता हूँ, रामानुजाचार्य बन जाता हूँ, और आप मेरे वस्त्र पहन के यहाँ से निकल जाओ। तो रामानुजाचार्य वहाँ से निकल पड़े और होयसल राज में, आज जो मैसूर कहा जाता, मैसूर प्रांत में जाके बसे। उनको कई भक्तों के साथ में लेकर पैदल जाना पड़ा और राजा कोलोतुंग के जो सैनिक है वो पीछा कर रहे थे, और आके बसे वहाँ। फिर मेलकोटे शहर उन्होंने शुरू किया। आप में से कई भक्त मेलकोटे भी गए होंगे। तो खैर, रामानुजाचार्य तो वहाँ से निकल गए, लेकिन उनके शिष्य को रामानुजाचार्य समझकर सिपाही ले गए कोलोतुंग के दरबार में, और वहाँ पे राजा ने और उनके प्रतिनिधि ने कहा शिवात परतरम नास्ति, कबूल है? उन्होंने कहा नहीं। और फिर
उन्होंने शब्दों से खेल किया। उस जमाने में जो वजन के जो माप होते थे उनके भी कई नाम होते थे, जैसे आजकल ग्राम, किलोग्राम इत्यादि होते हैं ना, तो उस समय में भी कई वजन के माप हुआ करते थे। उनमें से शिव जो है ये भी एक माप था, नाम था एक माप का। द्रोण भी था, शिव और उसके बाद द्रोण, और ऐसे और कई थे। तो इस भक्त ने उत्तर दिया, जब कहा गया कि शिवात परतरम नास्ति, उन्होंने कहा द्रोण भी जो है ये शिव से परे है, परम है। द्रोण छोटा सा द्रोण होता है, ये भी शिव से ज्यादा है। तो गोलतुंग को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उस भक्त के आंखें निकाल दी और आंखें निकाल कर उनको वापस भेजा गया। शायद वो महापूर्ण थे, मेरे ख्याल से महापूर्ण थे। तो लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सत्य से हटना ठीक नहीं समझा, भले मृत्यु आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो उस समय से राजा कोलुतुंग के हृदय में विष्णु और वैष्णवों के प्रति घृणा और भी बढ़ गई। एक प्रज्वलित अग्नि के समान उनके हृदय में ये जल रही थी बात। और उन्होंने जब चिदंबरम गए थे, चिदंबरम एक स्थान है तमिलनाडु में समुद्र के तट, वहाँ नटराज जी का मंदिर है और उसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, गोविंदराज, यही गोविंदराज, उनकी एक मूर्ति उस समय हुआ करती थी। तो राजा कोलुतुंग ने जब सुना कि ऐसी मूर्ति है तो उन्होंने कहा विष्णु तो समुद्र में शयन करते हैं ना, तो विष्णु का स्थान पृथ्वी पर नहीं है, उनको समुद्र में डाल देना चाहिए, दूसरे शब्दों में विसर्जन कर दो इनका। तो जब वैष्णवों को पता चला कि राजा ऐसे बात कर रहे हैं तो बड़ी चिंता हुई। तो गोविंदराज की रक्षा करने के लिए उन्होंने उस मंदिर के उस भाग में दीवार बनाई आदि, लेकिन दीवार से क्या होता, राजा आके कभी भी तोड़ सकता था अपने सिपाहियों के साथ। तो फिर चुपचाप राजा को न बताकर बीच रात में गोविंदराज की का जो उसकी जो उत्सव मूर्ति है वो ले गए, और यहाँ वहाँ दूसरे सीधे रास्ते से न जाकर घूमते फिरते किसी न किसी तरह से यहाँ इस स्थान में आ गए, जिस स्थान को हम आज तिरुपति कहते हैं। और यहाँ शेषाद्री पर्वत जो है, वेंकटाद्री या शेषाद्री, अंजनेयाद्री, इस पर्वत के बारे में, इन पर्वतों के बारे में हम परसों चर्चा करेंगे। तो यहाँ उन्होंने उनको छुपा दिया क्योंकि वो रक्षा करना चाहते थे विग्रह का, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोलतुंग कुछ न कुछ तो कर देगा। अब रामानुजाचार्य तो मेलकोटे चले गए थे, तिरुनारायण मंदिर है, योग नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर कई वर्षों तक वहाँ पर रहे, 12 वर्ष लगभग रहे। उसके बाद उनको खबर मिली कि कृमिकंठ या कोलतुंग राजा की मृत्यु हो गई है और उनका जो पुत्र है वो वैष्णवों से ग्रहण नहीं करता है, बल्कि कोई अनुकूल भाव है। तो तुरंत रामानुजाचार्य अपने थोड़े भक्तों को साथ में लेकर वापस श्रीरंगम आ पहुँचे, परंतु अनेक भक्तों को उन्होंने मेलकोटे में रख दिया, सेवा में नियोजित कर दिया, विभिन्न मंदिरों में यहाँ उपासना की जो पद्धतियाँ हैं उनको स्थापित कर दिए। और वापस श्रीरंगम में जाकर देखा कि मैं इतने साल यहाँ से बाहर गया था, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना। वैसे तो समय समय पर उनको खबर मिल जाया करती थी, परंतु अब वहाँ आकर उन्होंने जो भी 12 साल की उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी त्रुटियाँ हुई होंगी उनको ठीक ठाक कर लिए। और फिर उन्होंने देखा और सुना कि
चिदंबर की जो गोविंद राज हैं वो नहीं है वहाँ पर, और जो वैष्णव है उन्होंने वहाँ से चुपचाप विग्रह को यहाँ कोथुर गांव में तिरुमला पर्वत जो है शेषाद्री के तट पे तल पे यहाँ पे रखा है। तो उन्होंने एक और विग्रह बनवाई रामानुजाचार्य ने और यहाँ लेकर आए गोविंद राज को, और उत्सव मूर्ति तो थी ही, फिर यहाँ मूर्तियों की स्थापना हुई। तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि कौन सा सही स्थान रहेगा मूर्तियों की स्थापना के लिए, तो यहाँ पार्थसारथी मंदिर में आए। आज जिस स्थान को गोविंद राज मंदिर कहते हैं, जिसमें कि पार्थसारथी भगवान के भी विग्रह हैं, उस स्थान को कृष्ण मंदिर या पार्थसारथी मंदिर पहले कहा जाता था। तो वहाँ आए और उन्होंने देखा कि नया मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी मंदिर में गोविंद राज जी की स्थापना करते हैं। और फिर रामानुजाचार्य ने लगभग 1130 में यह छोटे से मंदिर की स्थापना की, परंतु ऐसे कहा जाता है कि जो अब मंदिर यहाँ है वो बाद में बना। कहने का मतलब है कि रामानुजाचार्य जो मंदिर बनाया होगा उसके बाद और भी कोई राजा आए होंगे या भक्त आए होंगे, उन्होंने और अच्छा शानदार भव्य मंदिर भगवान के लिए बनाया। परंतु इसमें एक विचित्र बात ये है कि जो शिखर है मंदिर का गोपुरम, उस शिखर को यहाँ गोपुरम कहते हैं, तो वो गोविंद राज के ओर न होकर पार्थसारथी के पास, और ये गोपुरम का निर्माण कार्य रामानुज के बाद हुआ। फिर भी ऐसे क्यों हुआ? तो ऐसे पता ये कारण है कि क्योंकि पार्थसारथी पहले यहाँ पे विराजमान थे, गोविंद राज के पहले से आए थे, तो गोविंद राज के मंदिर में और भी विग्रह कई हैं, आपने देखे होंगे वहाँ पे पार्थसारथी के अलावा गोदा देवी आंडाल का भी एक मंदिर है। वैसे ये मंदिर तो बहुत बड़ा आकर्षण है तिरुपति में, खास करके गोपुरम बहुत ऊंचा है, आपने देखा होगा कितना विशाल है गोपुरम। वैसे ये कौन है गोविंद राज? ये गोविंद राज बलराम जी माने जाते हैं, भगवान के बड़े भाई। आप में से सारे भक्तों ने बालाजी की कथा तो सुनी होगी, आज नहीं तो कल, पहले तो सुनी होगी ना, कैसे बालाजी ने उधार लिए पैसे कुबेर से, उसका वर्णन हम परसों करेंगे तिरुमला में जाकर। परंतु ये कथा तो आपने सुनी है कि कैसे बालाजी ने, वेंकटेश्वर भगवान ने कुबेर से उधार लिया और कहा कि मैं हर साल चुकाते जाऊंगा ये ऋण, और कलयुग के अंत ये कई वर्षों तक, 1000 वर्षों तक के वो है वो मैं पैसे लौटाता रहूंगा। तो जैसे जैसे यहाँ मंदिर का यश फैलता गया, लोग जानने लगे कि यहाँ बालाजी विराजमान हैं, बड़ी संख्या में लोग आते और फिर बहुत बड़ी मात्रा में दान भी देते, और बालाजी की तिजोरी भरने लगी। लेकिन बालाजी को पैसे लौटाने जो थे ना कुबेर को, तो अब जितने पैसे आ रहे हैं तो उनको गिनना तो चाहिए ना, तो गिनने वाला कोई चाहिए, तो बलराम जी वो काम कर रहे थे। और गिनने के लिए एक कुंभ जैसा था एक यंत्र जिससे कि वो जिनमें कि वो गिना करते थे, और इतना धन आता था और आज भी आता है बालाजी के लिए, कि गोविंद राज गिन गिन के इतने थक गए, इन्होंने सोचा बस हो गया, अभी मैं ऊपर से आ जाऊंगा, मुझे अभी केवल विश्राम करना है। तो फिर इस यंत्र को लेकर आए यहाँ पर और फिर उसको नीचे रख के बस विश्राम कर रहे, इतनी गिनती कर रहे थे, तो आज भी यहाँ विश्राम कर रहे हैं गोविंद राज जी।
तो ये कथा है गोविंद राज जी के बारे में। और तो खैर, जब रामानुजाचार्य आए, उन्होंने यहाँ छोटे से मंदिर की स्थापना की और उन्होंने मंदिर के आसपास चार सड़कें बनवाई और उनमें जो ब्राह्मण थे थोड़े, उनके लिए घरें भी बनवाई ताकि वो वहाँ रह सकें। और इस स्थान का नाम हुआ रामानुजपुरम। वैसे कोतुर गांव तो था, अब इस मंदिर के निर्माण के बाद ये रामानुजपुरम स्थापित हो गया। और धीरे 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 से लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ने लगी। ऐसे भी बताया जाता है कि रामानुजाचार्य ने सोचा कि यहाँ आबादी जो है, यहाँ लोगों की संख्या जो है, इसको बढ़ाना चाहिए। रामानुजाचार्य ने इस स्थान का नाम तिरुपति रखा। तो कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने तिरुमला में सेवा करने वाले जो ब्राह्मण थे उनके लिए अनिवार्य किया कि आपको यहाँ पे भी निवास स्थान और जमीन बनाना लेना आवश्यक है। तो जितने भी भक्त ऊपर सेवा करते थे उनके लिए यहाँ भी निवास स्थान थे। और फिर आगे चल के धीरे धीरे फिर उसी स्थान के उत्तर पूर्व दिशा में अच्युत रायपुरम का निर्माण हुआ। फिर पश्चिम भाग में श्रीनिवासपुरम का निर्माण हुआ। फिर बीच में बाजार बन गया। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई लोगों की, फिर ये तिरुपति बन गया। तिरुपति एक छोटा सा गांव था, अब कितना बड़ा शहर हो गया है। तो तिरुपति का इतिहास जो है संक्षेप में इस प्रकार से है। और वहाँ पे आपने कई और मंदिर भी देखे होंगे अंदर, साथ साथ में गोविंदराज मंदिर के बाहर आकर फिर हम गए थे कोदंड राम मंदिर या रघुनाथ मंदिर। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन किया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, रघुनाथ जी के मंदिर में गए, उन्होंने कीर्तन किया, श्री रामचंद्र की स्तुति की और फिर वहाँ से ऊपर त्रिमल्ल त्रिपाद अर्थात तिरुपति और तिरुमल्ल दोनों में महाप्रभु गए और फिर अपनी यात्रा में आगे महाप्रभु निकल पड़े। तो जहाँ तक ये कोदंड राम स्वामी मंदिर का सवाल है, यहाँ सीता राम लक्ष्मण के मूर्तियों का दर्शन आपने किया होगा, लेकिन सीताराम के जो विग्रह हैं उनमें एक विचित्र बात आपने देखी। आपने से कौन कौन गए थे कोदंड राम मंदिर में बताइए? बहुत कम गए, बहुत लोग नहीं जा पाए क्योंकि बहुत चलना था आज, इसलिए हो सकता है। तो क्या देखा आपने? हाँ, सीता जी कहाँ है? अच्छा, ये बताइए, जब प्रभु रामचंद्र जी खड़े होते हैं तो सीता देवी उनके किस तरफ होती हैं? उनकी बाई तरफ ना, प्रभु रामचंद्र के बाई तरफ सीता देवी होती हैं। जब राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के किस तरफ होती हैं? बाई तरफ। लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण के किस तरफ लक्ष्मी देवी होती हैं? बाएं तरफ। तो साधारणतः प्रभु रामचंद्र के बाएं तरफ सीता देवी विराजमान होती हैं, परंतु इस मंदिर में वो उनकी दाहिने ओर है और उनकी बाएं ओर लक्ष्मण जी हैं। और ऐसे श्री वैष्णव संप्रदाय में होता है, वो पुजारी बता रहे थे, वो महालक्ष्मी मानी जाती हैं, मोक्ष लक्ष्मी मानी जाती है सीता देवी। तो कोदंड राम क्यों? कोदंड क्या होता है? श्री रामचंद्र के धनुष का नाम है कोदंड, जैसे अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव,
भगवान कृष्ण के धनुष का नाम है शारंग। भगवान विष्णु या कृष्ण के धनुष का नाम शारंग है। उसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र के धनुष का नाम है कोदंड, और इसलिए वो कोदंड राम भी कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत में और खास करके आंध्र प्रदेश में, और इस आंध्र तेलंगाना जो भी है इस भाग में, ये कोदंड राम बहुत विख्यात है। यहाँ किसी से भी कोदंड राम की बात कीजिए तो सब लोग जानते हैं। हो सकता है उत्तर भारत में लोग राम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोदंड राम भी इतने लोग नहीं जानते होंगे। तो खैर, ऐसे बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी में बनी हुई होगी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर रामनवमी आदि उत्सव मनाए जाते हैं, और जब वहाँ मंदिर में आ गए, आपने देखा होगा या सुना होगा है कि एक महिला थी, वो कुछ पढ़ रही थी माइक में, बहुत अच्छे ढंग से बोल रही थी, तेलुगु भाषा में बोल रही थी। हम तो समझ नहीं पाते तेलुगु, लेकिन संस्कृत शब्द इतने हैं कि थोड़ा बहुत तो समझ पाए कि वो क्या बोल रही थी। वो भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन कर रही थी, और वो एक भागवत पढ़ रही थी, वो तेलुगु भाषा में है, पोटा ना बोलते हैं ना, तेलुगु भाषा बोलने वाले कोई हैं यहाँ पर? तेलुगु क्या पोता ना, क्या नाम है भागवत तेलुगु? हाँ, पोतना, पोतना है ना। तो भक्त पोतना थे यहाँ पर, तो उनका जो भागवत है, उन्हें जो लिखी हुई है टीका, और वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे भी रामायण के आदि ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण है, लेकिन रामचरितमानस तो उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। हर एक प्रांत में अलग अलग रामायण है, मूल वाल्मीकि रामायण पर आधारित। तो ऐसे पोतना की जो भागवत है, ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। तो उस ग्रंथ से वो पढ़ रही थी, बहुत सुंदर व्याख्या वो कर रही थी पोतना के भागवत से। तो खुशी हुई ये सुनकर, लेकिन दुख भी हुआ। क्यों दुख हुआ? एक भी व्यक्ति प्रवचन के लिए नहीं था वहाँ बैठने के लिए, शायद एक था बेचारा कोई बैठा था, वो भी थोड़ी देर के बाद चला गया। एक भी व्यक्ति नहीं, इतने बड़े मंदिर में, इतना बड़ा धाम है, तीर्थ स्थान है, प्राचीन इतिहास है इसका, मंदिर का। ऐसे बताया जाता है कि इन इन विग्रहों की जो स्थापना है, कोदंड राम, सीता देवी और लक्ष्मण जी की स्थापना स्वयं जाम्बवान ने की थी द्वापर के अंत में। इतना पुरातन है ये, ऐसा इतिहास है। फिर भी देखिए, ये टीका है हमारे आधुनिक सभ्यता पर, या कहिए असभ्यता पर, कि आजकल हम भगवान को इतने भूल चुके हैं। कथाओं में जाना, मंदिरों में जाना, ये बहुत कम होते जा रहा है। तो खैर, ये इन तीन मंदिरों में हम होकर, इन तीन स्थानों में हम होकर आए, कपिल तीर्थ, फिर गोविंदराज मंदिर, और कोदंड राम मंदिर। तो हम कल भी अन्य स्थानों में जाएंगे, कल शाम को भी हम और चर्चा करेंगे, परसों भी, हर दिन कोई ना कोई कथा करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पूरे कार्यक्रम का लाभ उठाएं और भक्तों के साथ में रहें, ताकि कहीं आप यहाँ वहाँ कुछ खो ना जाएं। आपके बच्चों का भी ख्याल रखिए, और भी कोई ऐसी सूचनाएं हैं तो आप बोल सकते हैं। और एक बात ये मैं संक्षेप में सूचना कहना चाहता हूं कि हम जब धाम में आते हैं तो धाम से बहुत कुछ लेते हैं, धाम से आध्यात्मिक शक्ति लेते हैं,
धाम से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, धाम में भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, भगवान का दर्शन मिलता है, उनके लीला स्थलियों के बारे में हम जाके उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, कितना कुछ लेते हैं हम धाम से। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इन धामों का यह रहना और होना कितना ज़रूरी है। परंतु हम धामों में आते हैं, थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, चले जाते हैं, परंतु धाम की सेवा शायद उतना नहीं करते। हाँ, धाम में आना ही ये एक प्रकार की सेवा है। धाम में आकर धाम की महिमा का श्रवण करना ये भी सेवा है। धाम के निवासियों की सेवा करना ये भी सेवा है। परंतु प्रत्यक्ष रूप से धाम के स्वच्छता को बनाए रखना, धाम के सौंदर्यकरण के लिए कुछ कार्य करना, ये भी तो सेवा है, धाम की सेवा है। हमारे जो मंदिर हैं और तीर्थ स्थान हैं बहुत ही गंदे हैं, आपने देखे होंगे, अनुभव किए होंगे। वृंदावन में जाइए, ब्रज में जाइए, जहाँ भी जाइए, गंदगी इतने हम फैलाते हैं, हम लोग ही फैलाते हैं ना, जो दर्शनार्थी होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, हम लोग ही तो जाके सब जगह कचरा या वहाँ डाल के आते हैं, हमारे साथ में कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए, बस फेंक देते हैं, चले जाते हैं। तो धाम से कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन लौटाते समय क्या लौटा के जाते हैं, क्या शुल्क भर के जाते हैं धाम को? हमारे प्लास्टिक की थैलियाँ और जो कागज है, कचरा है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि धामों को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, धाम को साफ रखना चाहिए। धाम के की जो मान्यता है, धाम की पवित्रता है, उसको सही दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग जाते हैं यात्रा में, तो अवश्य एक बार तो कम से कम किसी भी एक स्थान पर हम उस स्थान को स्वच्छ बनाने के लिए सेवा करते हैं। कई वर्षों से चल रहा है, आपको याद होगा जब हम भी गए थे तो पंपा सरोवर में सारे भक्तों ने कितनी सेवा की थी। उधर ऊपर अंजनेय पर्वत में गए थे चढ़ के, वहाँ पर भी गुफों में या वहाँ जाके सारे भक्तों ने कितनी सेवा की। और हम विश्वास नहीं करोगे कि कितना कचरा और किस तरह का कचरा कहाँ कहाँ से मिलता है। वहाँ इतने अंदर पहाड़ के गुफे थे, इतने सारे यहाँ वहाँ अंदर जाके सारे पान मसाले के इतने ठप्पे सब मिलते हैं, ये लोग वहाँ क्यों जाते हैं पता नहीं। इतने ऊपर जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, अपना पान मसाला नहीं छोड़ते हैं या सिगरेट के पैकेट नहीं छोड़ते हैं, या वहाँ के जो भुजिया के पैकेट से जो भी हैं खाते हैं वो नहीं छोड़ते हैं, बस ऊपर डाल के चले आते हैं। तो इस समय भी हम किसी एक दिन पर, जब समय हमें साथ हमारा साथ देगा, जब उपयुक्त वातावरण होगा, तो ऐसे ही स्वच्छता के कार्य में हम सब लगना चाहेंगे। ऊपर तिरुमला में तो सब ठीक ठाक है, वहाँ व्यवस्थापन अच्छी है, लेकिन शायद अहोबिलम में जब हम जाएंगे ऐसा करेंगे। आप में से कितने भक्त ऐसे सफाई के कार्य में शामिल होना चाहेंगे? बहुत अच्छा। और ये याद रखिए, जब भी आप किसी भी धाम में जाएंगे, किसी भी तीर्थ स्थान में जाएंगे, तो कुछ धाम के लिए करके जाइए। धाम की सेवा तरह तरह से हो सकती है, थोड़ा सा थोड़ी सी सफाई धाम की करके जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ कथा करते हैं, 8 बज गए, अब थोड़ी सूचनाएं हैं, उसके बाद प्रसाद, फिर जल्दी सो जाइए ताकि आप बहुत फ्रेश रह सकें, ताज़े रह सकें कल की यात्राओं के लिए। हरे कृष्णा।